4 साल के बाद में यहाँ पठान में इतना पैसा, अभी 1000 करोड़ भी होने वाला है। इसमें काफ़ी हाथ मेरी सल्लू भाई की भी है, जो कि 10 मिनट के लिए मेरे मूवी में घुस गया था। जब सल्लू भाई की मूवी टाइगर आ जाएगा, मैं भी उसकी मूवी में 10 मिनट के लिए घुस जाऊंगा। क्या बात है, क्या बात है। यही टाइम पे किसी को फोन करना था। हेलो, अरे डायरेक्टर साहब, बोलिए बोलिए, क्या हुआ? क्या बोला आपने, जवान फ्लॉप होने वाला है? अरे ये कैसे हो सकता है भाई, मेरा पठान अभी 1000 करोड़ में पहुंचने वाला है, सभी का रिकॉर्ड को मैं तोड़ चुका हूँ। एक काम करो, तमिल इंडस्ट्री की फेमस सुपरस्टार को ले लेते हैं, थलापति विजय को, हमारे मूवी में 10 मिनट के लिए एंट्री करवा देते हैं, पैसा पूरा डबल। पैसा ही पैसा होगा। फाइनल गाइस, पठान के बाद पहले ये 20 रुपया चश्मा को मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ। फाइनल गाइस, जैसा आपको पता है कि पठान ने पूरे इंडियन बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दिया है, सारे मूवी का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है शाहरुख खान की मूवी पठान ने। भाई क्या कलेक्शन, सोचा नहीं था। ये तो था भाई पठान की जलवा, और इसके बाद शाहरुख खान के और एक मूवी आने वाला है, जिसका नाम है जवान, जो कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पे आग लगाने वाला है। और कुछ दिन पहले जवान की अनाउंसमेंट टीजर आया था, उसको देखकर बहुत ज़्यादा ऑडियंस ये कह रहे थे कि भाई ये जो लुक है कॉफी लुक है, एंड ये शाहरुख खान की फाइनल लुक है। तो भाई मैं आपको एक ही बात बता दूं, ये शाहरुख खान की फाइनल लुक नहीं है। जवान की लुक अभी तक भी, शाहरुख खान के जो लुक है अभी तक आया नहीं है। अब ट्रेलर आ जाएगा, आपको भाई पता चल जाएगा कि भाई शाहरुख खान की लुक क्या होने वाला है जवान में। तो अभी मैं जो कह रहा था कि जवान इंडियन सिनेमा में आग लगाने वाला है, क्यों आपको बताए? क्योंकि पठान में जैसे सलमान खान की एंट्री हुआ था 10 मिनट के लिए, ऑडियंस देखकर ये पागल हो गए, भाई मूवी हिट हो गया, बहुत ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है। वैसे जवान में भी और एक सुपरस्टार की एंट्री होने वाला है, आपको पता है ना, तमिल इंडस्ट्री की सबसे सुपरस्टार खतरनाक हीरो थलापति विजय सर की एंट्री होने वाला है जवान में। भाई क्या सीन होने वाला है, और जवान मूवी का जो कलेक्शन होने वाला है वो पठान का रिकॉर्ड को तोड़ने वाला है। क्योंकि आपको पता है ना, पठान जो कलेक्शन कर रहा है वो सिर्फ हिंदी बेल्ट में कर रहा है, तमिल इंडस्ट्री से नहीं कर रहा है, तेलुगु इंडस्ट्री से भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा हिंदी मूवी को नहीं देखते हैं। बट जवान में थलापति विजय सर की एंट्री है, तो तमिल इंडस्ट्री पे इस मूवी का कलेक्शन बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि थलापति विजय सर की जो तमिल इंडस्ट्री पे जो क्रेज है ना भाई, वो किसी का नहीं है वहाँ पर। अभी जवान मूवी का जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, हर जगह पर अभी ट्रेंड में चल रहा है कि जवान, तो जवान तो बहुत ही जल्द रिलीज होने वाला है। 2023 शाहरुख खान के नाम पर पूरा लिख लो। और जवान की जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो बहुत ही खतरनाक है भाई, वो तमिल इंडस्ट्री के एक म्यूजिक डायरेक्टर जिन्होंने बीस्ट मूवी का एक सॉन्ग था ना, हल्ला मिट्टी हबीबो, वही सॉन्ग का म्यूजिक दे रहे थे भाई, खतरनाक म्यूजिक था। और जवान में वो म्यूजिक दे रहे हैं, विक्रम में भी म्यूजिक दिए थे भाई, BGM सुपर होने वाला है। वैसे आप शाहरुख खान की जवान को देखने के लिए कितना एक्साइटमेंट हो, ये मेरे को कमेंट करके बताना। आजकल देखिए छोटी सी वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक नई वीडियो में, बाय।